क्यों नहीं गए बाहर तुम? क्योंकि धूप में तुम्हें चल के जाने में आलस हो रहा था, और आलस इसीलिए आ रहा था क्योंकि चाय लाने को तुम एक इंपॉर्टेंट काम ही नहीं समझते हो। ये जो मामूली काम होते हैं ना, बिजनेस मैनेजमेंट की सबसे बड़ी सीख इसी में छुपी होती है। बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दोगे ना तो एडवांस बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। डैडी का ये साइड मैंने कभी नहीं देखा है। कहीं इंटर्नशिप के लिए हाँ बोलकर मैंने गलती तो नहीं कर दी? अच्छी है वैसे। What टाइमिंग? क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारी भूलने की आदत, तंग आ गई हूँ मैं सीरियसली राज। मतलब क्या तरीका है? पिछले एक साल में 2 बार पानी की बोतल, 6 बार टिफिन, 4 बार रुमाल भूल कर आया ऑफिस में, लेकिन इस बार तो कमाल ही कर दिया। क्या किया? हमारे इकलौते बेटे, हमारे सगे बेटे, अपने जिगर के टुकड़े को भी ऑफिस में भूला है। अरे भूला नहीं हूँ बंधु रानी, साथ ही आया है हमारे जिगर का टुकड़ा, लेकिन हर्षद भाई के कलेजे के टुकड़े से मिलने गया। ओ, अच्छा कैसा था उसका ऑफिस का पहला दिन? क्या ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ये रियलाइज हुआ है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा लकी है, तुझे अपने डैडी के ऑर्डर्स नहीं लेने पड़ते हैं। कम ऑन, यस, नाइस ब्रो, तूने बैक टू बैक मुझे 2 मैच हरा दिए। हाँ, कहीं तो मैं जीत रहा हूँ। इतना गुस्सा? लगता है अंकल बहुत स्ट्रिक्ट बॉस है। स्ट्रिक्ट तो है ही है, साथ ही साथ ना अपने काम को लेके कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड है। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद भी वो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं, और उनकी वजह से मुझे अटकना पड़ा। क्योंकि ऑफिस एंटर करते ही हम लोग बाप बेटा नहीं है, हम लोग एम्प्लॉई और बॉस हो जाते हैं, और तुझे भी पता है कि बॉस और एम्प्लॉई कभी बनती नहीं है। नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। बच्चा है अभी वो राज? बच्चा नहीं है बंधु, टीनेजर है। कुछ ही महीनों में कॉलेज जाएगा, उसे अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा। अपने स्कूल फ्रेंड्स से दूर होकर उसे एक नए सेटअप में नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा जैसे कुएं का मेंढक बने। आजकल की जनरेशन ना बहुत स्मार्ट है राज, इनके हाथों में ये नॉलेज का भंडार है। कुएं का मेंढक बनके नहीं रहेगा था, बट हाँ, जहां तक बात एक्सपीरियंस की, I agree with you. उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए-नए एक्सपीरियंसेस लेने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता मैं जॉब में टिक पाऊंगा। ब्रो, तू हार मत मान। अरे हार कैसे नहीं मानूं? एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती। ब्रो, तू विवान भैया की तरह बातें क्यों कर रहा है? कहावत ये है कि एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हाँ, तू भी मुझे सिखा डैडी की तरह। ओके, काम डाउन। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि बस 6 दिन की तो बात और है, सहले थोड़ा सा। कैसे? देख, तू ना काम पे हो रहे स्ट्रेस के बारे में मत सोच, तू ना वीडियो गेम के बारे में सोच। पता है लोगों को इस गेम के लिए ना बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, लेकिन तुझे बस 1 हफ्ते में मिल जाएगी ब्रो। ऐसा चांस हर किसी को नहीं मिलता ब्रो। मन मार के बस किसी भी तरह ये 1 हफ्ता बर्दाश्त कर ले। सॉरी डैडी, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, पूरे 7 मिनट लेट। अरे चलता है डैडी, मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है, 7-10 मिनट लेट पहुंचोगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अपने घर से ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट से आने में तुम्हें कौन सा ट्रैफिक मिला? डैडी अभी ट्रैफिक नहीं मिला, पर आगे तो मिलेगा ना। मैं ऑफिस में जाके बोल दूंगा कि मैं 7-10 मिनट ट्रैफिक में अटक गया बस। कहाँ बैठ लो? गाड़ी में बैठने? नहीं, जिप बंद लो। ये क्यों? यहाँ बाहर से 322 नंबर की बस मिलेगी, सीधे स्टेशन जाओ, वहां से चर्च गेट की ट्रेन पकड़ो, महालक्ष्मी स्टेशन उतरो, वहां से 22 नंबर की बस पकड़ के सीधे ऑफिस पहुंचो। ओके? एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। P2P मैक्स के एम्प्लॉयज को घर से पिकअप और घर ड्रॉप करने की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं मैं, तो तुम्हें ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे? सारे एम्प्लॉयज ट्रेन पकड़ कर ही ऑफिस पहुंचते हैं, और तुम्हें कहा ना कि ट्रैफिक बहुत है, तो ट्रेन से आओ,
ट्रैफिक नहीं मिलेगा। डैडी मैंने आज तक कभी भी जिंदगी में अकेले ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है, अब मैं अचानक से कैसे करूंगा? तो सीख लो, कल को अगर टाउन साइड किसी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ तो तुम्हें तो ट्रेन से जाना पड़ेगा ना, टाइम से पहुंचना भी पड़ेगा, क्योंकि वहां तुम प्रोफेसर से ये नहीं कह सकते कि सर मुंबई जैसे शहर में जहां इतना ट्रैफिक होता है वहां 7-10 मिनट लेट पहुंचो तो चलता है। प्रोफेसर तुम्हें लेक्चर में बैठने नहीं देगा। और कल जब चाय ऑर्डर करनी थी तब तो तुम टाइम के वैल्यू की बहुत बात कर रहे थे, है ना? चलो तो ट्रेन से आओ, डोंट वेस्ट टाइम, ऑफिस पहुंचो, बाय। मार्फतिया जी, डिजिटाइजेशन का काम कहां तक पहुंचा? I mean, वो अथर्व को करने दिया। अरे उसे बोलो जल्दी जल्दी हाथ चलाए, कल शाम तक मुझे प्रेजेंटेशन देना है। हाँ सर। सर, हाँ। बच्चा है सर, इतने प्रेशर में कैसा? पता है मुझे, बच्चा है और मेरा बच्चा है, अभी सीखेगा ना तो प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करना सीख जाएगा। सर सॉरी डैडी, थोड़ा लेट हो गया। 50 मिनट लेट हो तुम। क्या करो, मैं जब बस स्टॉप पे पहुंचा तो पहली बस मिस हो गई, दूसरी बस 10 मिनट लेट थी, फिर जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो पहली दो ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मैं चढ़ ही नहीं पाया, फिर जब तीसरी ट्रेन आई तो। मार्फतिया जी, आप कितने बजे निकलते हो सुबह? जी सुबह 7 बजे। चंदू तुम? 6:30 बजे। सर मैं खुद 7:30 को निकल जाता हूँ। देखा, ये तीनों भी शहर के अलग अलग कोने से ऑफिस आते हैं, ट्रेन पकड़ कर आते हैं, लेकिन टाइम पर पहुंचते हैं। तो तुम भी जल्दी उठो, जल्दी नाश्ता करो, और आज जितने बजे निकले थे ना उससे 1 घंटा और जल्दी निकलो। लेकिन जल्दी उठने के लिए तुम्हें जल्दी सोना पड़ेगा, है ना? चंदू। हाँ सर। डिजिटाइजेशन तुम हैंडल करो, अथर्व से नहीं हो पाएगा। ओके सर। तुम अनक्लेम पार्सल्स की लिस्ट दे दो, मैनेज कर लेगा, ठीक है? चलो गेट बैक टू वर्क। यस। हाँ तावड़े। डैडी दिस इज नॉट फेयर। तावड़े मैं फोन करता हूँ थोड़ी देर में। व्हाट इज नॉट फेयर? आपकी वजह से आज मैं लेट हुआ, अगर मैं आपके साथ गाड़ी में आता ना तो मैं ऑन टाइम पहुंचता, लेकिन आपने मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा। ऐसे आप बोलते हो कि कारपूल करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, टाइम बचाना चाहिए। आज 50 रुपए वेस्ट भी हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ, और मैं से पसीने में आया हूं ऑफिस। ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त तुम क्या कर रहे थे? हेडफोन्स पे गाने सुने। हाँ, फिर तो मेरे 50 रुपए वाकई में वेस्ट हो। कल से जब तुम ट्रेन से ट्रैवल करोगे ना तब एक किताब कैरी करो अपने साथ, किताब पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, अपने आप को अपडेट करो, और सबसे अहम बात बताऊं, अपने कान और आंख खुले रखो और अपने इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो ऑब्जर्व करो, वो सुनने की कोशिश करो। जैसे डॉक्टर किसी मरीज के दिल की धड़कन सुनकर उसकी बीमारी का पता लगाता है ना, उसी तरह ये मुंबई लोकल जो है ना वो हर मुंबई घर के दिल की धड़कन है। तो धड़कन में ढेर सारी कहानियां छुपी है, वो सुनने की कोशिश करो। ये जो एक्सपीरियंस है ना वो तुम्हें किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, वो मुंबई के लोकल में मिलेगा। ओके? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।